राष्ट्रीय लेवल ऊपर प्रश्नों ने सतत रजूआत करनारा एवा वन मैन आर्मी एवा आपड़ा प्रवीण भाई खंडेलवाल केटना सूरत ना प्रमोदजी एमनी टीम ना सभ्यश्रीओ चेम्बर ना वाइस प्रेसिडेंट आशीष भाई ऑनरेरी ट्रेजर निखिल भाई मद्रासी सेक्रेटरी सॉरी अने ऑनरेरी ट्रेजरर मनीष भाई कापड़िया इनी परिस्थिति पछी सौथी वधारे कोईने जो मार पड्यो होय तो ए रिटेल ट्रेड अलग अलग पार्ट नी अंदर जे रिटेल ट्रेड साथे लोको संकळायेला छे एमने खूब प्रश्ननी रीते सरकारी कायदाओना कारणे एवो जीएसटी होय इनकम टेक्स होय आ तमाम बाबतोनी खूब मोटी मुश्किलियोनो सामनो करवो पड्यो परंतु आ तमाम प्रश्नों ने वाचा आपता एवा श्री प्रवीण भाई खंडेलवाल ने आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करूं छु श्री प्रवीण भाई खंडेलवाल कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से मैं सभी पत्रकार मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपका स्वागत करता हूं कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देश के 7 करोड़ व्यापारियों को रिप्रेजेंट करती है और देश के 40,000 से ज्यादा व्यापारी संगठन चाहे वो लेह लद्दाख में हो या अंडमान निकोबार में हो या लक्षद्वीप में हो सभी राज्यों के व्यापारी संगठनों के साथ मिलकर के हम लोग काम करते हैं। जैसा अभी दिनेश भाई बता रहे थे कोविड के दौरान जो लॉकडाउन था पूरे देश में आवश्यक सप्लाई जो आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई थी वो लॉकडाउन के बावजूद भी जारी रही और देश में किसी भी राज्य में चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या कोई भी शहर हो किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं हुई और किसी भी वस्तु का कोई ओवरचार्ज नहीं हुआ। ये देश के 1.25 करोड़ व्यापारी जो आवश्यक वस्तुओं में व्यापार करते हैं उनके कारण से हुआ। प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद उस पूरी व्यवस्था को हमने पूरे देश में संभाला और सभी राज्यों में और केंद्र सरकार के अधिकारियों ने हमारा साथ दिया। लेकिन मित्रों कोविड से पहले और कोविड के बाद देश के रिटेल व्यापार में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। देश में 7 करोड़ व्यापारी लगभग 80 लाख करोड़ रुपए का सालाना कारोबार करते हैं और लगभग 40 करोड़ लोगों को हम रोजगार देते हैं। एग्रीकल्चर के बाद ये दूसरा सेक्टर है जो देश में सबसे ज्यादा रोजगार देता है और अक्सर इस क्षेत्र को कहा जाता है कि ये रिटेल ट्रेड जो है वो डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा सोर्स है। हिंदुस्तान के अंदर किसी को भी कोई रोजी रोटी कमाने के लिए वो जरिया नहीं मिलता है तो रिटेल ट्रेड ऐसा है जिसमें बहुत मिनिम इन्वेस्टमेंट के साथ 2,000-3,000-4,000 रुपए की बहुत मामूली सी इन्वेस्टमेंट के साथ यहाँ पर व्यापार किया जा सकता है। और कोविड के बाद का अगर हम ध्यान करें तो वर्तमान में जो हमारे व्यापारी हैं वो सबसे ज्यादा वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं। 20 लाख करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार ने दिया, 1 रुपया भी उसमें देश के व्यापारियों को नहीं मिला। जो हमारे व्यापारियों की सप्लाईज थी कोविड से पहले की उनकी पेमेंट आज तक नहीं है तो जो पेमेंट का चक्र है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गया। इसके अलावा
हमको अपने कर्मचारियों की तनख्वाह हमने दी है, बैंक के इंटरेस्ट हमने दिए हैं, ईएमआई हम लगातार दे रहे हैं और अनेक फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का हम सामना कर रहे हैं और हमें किसी ने मदद नहीं करी, ना कोई केंद्र सरकार ने की, ना देश की किसी राज्य सरकार ने की। जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करने का काम देश में व्यापारी करते हैं, लेकिन बावजूद इसके हमारे व्यापारियों ने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा से अपना व्यापार खड़ा किया है। वित्तीय संकट है, बैंक पैसे नहीं देता है और लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने दोबारा अपने व्यापार को खड़ा किया। और कोविड से पहले की स्थिति का अगर हम ध्यान करें तो लगभग अब तक 60% व्यापार हमारा खड़ा वापस दोबारा हो गया है, 40% व्यापार अभी खड़ा होना बाकी है। लेकिन देश में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां हम 60% पर पहुंचे लेकिन फिर घट करके हम 40 पर आ गए या 30 पर आ गए। खासतौर पर उसमें दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल है, जहाँ किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 30-40 दिनों से। तो पहले हम 60 पर पहुंचे थे, अब घट करके हम वापस 40 पर आ गए हैं। और अगर ये आंदोलन भी चलता रहा तो जो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के राज्य हैं उसमें आने वाले समय में कठिनाइयाँ हो सकती है, व्यापार हो सकता है। इन सारे चक्र के बावजूद जो आज आम व्यापारी का दम होगा, टैक्स पर टैक्स नहीं लगेगा, सब टैक्स के स्थान पर एक टैक्स लगेगा, टैक्सेशन सिस्टम कंप्यूटराइज होगा, वो इतना आसान होगा कि व्यापारी को तो केवल एक बार अपनी रिटर्न भरनी होगी, वो भी सामान खरीदी की, उसके बाद सारा सिस्टम ऑटोमेटेड होगा। तो देश भर के व्यापारियों को ये लगा कि इससे बढ़िया कोई टैक्सेशन सिस्टम कोई हो नहीं सकता है। हमारे ऊपर कुल मिलाकर के लगभग 26-27 तरीके के टैक्स लगते हैं, अलग अलग कुछ राज्यों में कम है कुछ में ज़्यादा है। तो हमें लगा कि 26-27 टैक्स लगते हैं, 26-27 डिपार्टमेंट आते हैं तो वो सब हटेंगे तो एक डिपार्टमेंट आएगा। और पूरे देश में हमने सहायता करी सरकार की और लगभग 300 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस जीएसटी को लेकर के, तो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने की है। उसके अलावा जो हमारे राज्य स्तरीय संगठन है, जैसे हमारा सदर गुजरात चैम्बर है, पूरे देश में जो हो रहा है, उन्होंने अलग अलग अपने तरीके से भी काम किया है। लेकिन अब यदि हम आज जीएसटी को देखें, शुरू के 3 साल तक जीएसटी ठीक चला, इसमें कोई दो राय नहीं है। केंद्र सरकार ने और सभी राज्य सरकारों ने हमारी बहुत सारी सिफारिशों को माना, बहुत सारे टैक्स रेट में परिवर्तन हुआ, सरकार की सोच फ्लेक्सिबल रही। लेकिन पिछले एक डेढ़ साल में, अमूमन यदि मैं आपसे कहूँ तो सितंबर 2019 से लेकर के अब तक जो हमने देखा जीएसटी के अंदर, इस तरीके के रूल आ गए हैं कि जो देश के व्यापार को बुरी तरीके से प्रभावित करेंगे। उसमें खासतौर पर एक रूल अभी आया 22 दिसंबर को, जिस जो रूल का नंबर है 86B, और उसमें ये कहा गया कि जिस व्यापारी की मंथली टर्नओवर 50 लाख रुपए से ऊपर है उसको 1% कैश डिपार्टमेंट में जमा कराना होगा। अर्थात मुझे जो 100% इनपुट क्रेडिट मिलेगा, मुझे 100% ना मिलकर के 99% इनपुट क्रेडिट मिलेगा। इसके अलावा एक बहुत ही विचित्र रूल आया कि अधिकारी चाहे तो वो मेरा जीएसटी नंबर कैंसिल कर सकता है, और कैंसिल करेगा तो मुझे मेरे को शो ऑफ नोटिस भी नहीं देगा, मुझे अपनी अपनी सफाई रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। तो कमाल की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट में हजारों केस में ये हैंड हुआ है और जब हम कसाब के लिए रात को 2 बजे कोर्ट खोल सकते हैं तो उसको सुनवाई का मौका देते हैं, तो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग अगर मुझे नहीं मिलेगी तो वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय सिद्धांत की अवहेलना है। वो मुझे वो अभी एक रूल के अंतर्गत वो व्यापार पर लाद दिया। इसके अलावा अरेस्ट का प्रोविजन, सरकार ने बार बार कहा कि फेसलेस असेसमेंट होगा, अधिकारी का और व्यापारी का कोई तालमेल नहीं होगा, हमने उसको स्वीकार किया, ये बड़ी अच्छी बात है और 3 साल तक इसका पालन भी हुआ। लेकिन पिछले 1-1.5 साल में जो
कानून आ रहे हैं, जो नियमों में बदलाव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं व्यापारियों को मजबूर कर रहा है अधिकारियों का सामना करने का, या अधिकारियों को वो अधिकार दे रहा है जिससे कि वो व्यापारी को किसी न किसी तरीके से प्रताड़ित कर सके। पूरे देश भर में हमने इसकी चर्चा की है। 2 जनवरी को हम पूरे देश के सभी राज्यों के प्रमुख व्यापारी नेताओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं दिल्ली, वो तो खैर पूरे देश में होगी, और उसमें हम क्या करेंगे कि देश के व्यापारी को जीएसटी के लिए आगे क्या करना है। इस तरीके से यदि मनमाने जो तरीके होंगे और हमें अफसरशाही के हवाले छोड़ दिया जाएगा तो हमारा तो व्यापारी बर्बाद हो जाएगा, और फिर वापस हम बैठ से भी पहले जो सेल टैक्स का रजीम था हम उस रेजिम में चले जाएंगे। तो फिर ये तो कवायद सारी जीएसटी को लेकर के हुई है पिछले 3-4 सालों के अंदर कि कंप्यूटराइजेशन हो गया, ई-इनवॉइसिंग हो गई, कभी भी आज तक सरकार का जो पोर्टल है वो आज तक स्थायी नहीं हुआ, और आपको दोष बढ़ते हैं व्यापारी के ऊपर, आपका खुद का पोर्टल काम नहीं करता। साल में कम से कम 100 बार पोर्टल बैठ जाता है, पोर्टल बैठ गया और मैं अगर अपना काम नहीं कर पाया तो जिम्मेदारी मेरी हो जाती है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो जीएसटी काउंसिल है उसके अंदर एक तो व्यापारियों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े जीएसटी के वहां हमें देश के 138 करोड़ लोगों की जो जनसंख्या है उसका फर्स्ट कॉन्टेक्ट पॉइंट अगर कोई है तो वो व्यापारी है। जिसको भी अपने जरूरत की कोई चीज लेनी होती है वो सबसे पहले किसी दुकान से लेगा, किसी फैक्ट्री पर नहीं जाता। तो जब जीएसटी हमारे कंधे पर चल रहा है तो हमें भी जीएसटी काउंसिल के अंदर सदस्य बनाया जाए, ये हमारी मांग है। और जितने ये प्रोविजन है हमने हमने कल ही परसों वित्त मंत्री जी को पत्र भेजकर ये आग्रह किया है कि अब समय आ गया है कि जब जीएसटी की एक पूरी समीक्षा होनी चाहिए, नए सिरे से उसकी समीक्षा होनी चाहिए। पिछले 3 वर्षों से अधिक समय में सरकार को भी अनुभव हो गया कि जीएसटी में के मेरिट और डिमेरिट क्या है, और हमको भी समझ में आ गया कि मेरिट और डिमेरिट क्या है। जीएसटी देश के लिए नई कर व्यवस्था थी, और हमारा ये भी निश्चित रूप से मानना है कि जीएसटी से बढ़िया कोई टैक्सेशन सिस्टम हो नहीं सकता, पूरे वर्ल्ड में इससे बढ़िया टैक्सेशन सिस्टम नहीं है, हम मानते हैं इस बात को, स्वीकार करते हैं। लेकिन हम बंधुआ मजदूर की तरीके से जीएसटी का पालन नहीं करेंगे, हम पार्टनर बनकर के जीएसटी का पालन करना चाहते हैं। तो कोई भी कायदा कानून बने वो व्यापारियों की सलाह से बने। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक बार कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसका पहला सिद्धांत ये है कि जिसके लिए आप कानून बनाओ उसको बात करो, उसको विश्वास में लो, विश्वास में लेकर के कानून बनाओ। यहाँ सीधे तौर पर जीएसटी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन की अवहेलना हो रही है। तो हम जीएसटी के ऊपर एक मेमोरेंडम तैयार कर रहे हैं, और हमने वित्त मंत्री से यह आग्रह किया है कि नए सिरे से समीक्षा होनी चाहिए, जीएसटी के जो भी लूपहोल्स हैं उनको हटाया जाना चाहिए। और 3 बातें हमने मुख्य रूप से कही हैं। पहली बात तो हमने ये कही कि जीएसटी कॉम्प्लिकेटेड टैक्स सिस्टम की बजाय सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम होना चाहिए। दूसरी बात हमने ये कहा, हम सरकार से सहमत है कि टैक्स नेट जो है वो वाइडल होना चाहिए। वर्तमान में 125 करोड़ लोग जीएसटी पर रजिस्टर हैं। हमारा अपना मानना है कि यदि सरकार देश भर के व्यापारी संगठनों से मिलकर के काम करे तो इस 125 करोड़ को 3 करोड़ होने में देर नहीं लगेगी। लेकिन उसके लिए फिर आपको कर प्रणाली को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इतना सिंप्लीफाई कि किसी भी गाँव के अंदर जो व्यापारी काम कर रहा है वो भी आसानी से रिटर्न को भर सके, उसको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की या किसी टैक्स एडवोकेट की बैसाखी की जरूरत न पड़े। तो सरकार के टैक्स नेट को हम वाइड करेंगे। और तीसरी जो मुख्य बात है कि केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को राजस्व पूरा मिले, बल्कि जितना राजस्व वर्तमान में मिलता है उससे ज्यादा मिले, उसके लिए हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करेंगे और सरकार को गारंटी देंगे कि जो भी राजस्व आपको मिलता है हम मेहनत करेंगे, हम आपका टैक्स नेट वाइड करेंगे, 125 करोड़ की जगह इसको 2 करोड़ करेंगे, 2.5 करेंगे, 3 करेंगे, उसमें वर्ष लगेंगे लेकिन हम करेंगे। और जैसे टैक्स नेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सरकार के रेवेन्यू बढ़ता जाएगा। ये 3 बात हमने चिट्ठी भेजी है निर्मला जी को,
आप लोग कहेंगे तो मैं अभी आपके मोबाइल पर तो चिट्ठी भेज दूंगा या चैंबर आपको मेल कर देगा। और हमने समय मांगा है और बहुत उम्मीद है कि निर्मला जी से हमें आने वाले 2-3 दिन के अंदर समय मिल जाएगा, तो व्यापक रूप से जीएसटी को पर चर्चा करेंगे। और हमारा मानना है कि बंधुआ मजदूर के रूप में नहीं, बॉन्डेड लेबर के रूप में नहीं, पार्टनर के रूप में रह करके हम सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। जहां बराबर की भागीदारी होगी तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के टैक्स सिस्टम के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए मैं समझता हूँ कि एक बड़ा हल निकलेगा। जीएसटी में मुझे केवल इसकी बात नहीं बताया कि बिचौलिया कौन, मतलब बिचौलिया खत्म हो जाएंगे। हम ये मानते हैं कि वो बिचौलिया व्यापारी है, वो आड़ती है, वो व्यक्ति है जो जो किसान को बीज देता है, जो किसान को कृषि उपकरण देता है, जो किसान को कीटनाशक दवाई देता है, जो किसान को बीज बीज बोने की फैसिलिटी देता है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये देश में गलत नैरेटिव बना दिया कि कृषि कानून का संबंध केवल किसान से है। किसान से तो केवल 10-15% उसका संबंध है, बाकी 85% संबंध तो कृषि से जुड़े हुए जो उद्योग है, जो कंपनी फर्टिलाइजर बनाती है, जो खाद बनाती है, अगर वो फर्टिलाइजर बनाना बंद कर देगी तो खेती कैसे हो सकती है। और कृषि कानून का सीधा प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा। तो हमने जो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, हमने सुप्रीम कोर्ट पे इंटरवेंशन की एप्लीकेशन लगाई है। हमने कहा है कि पार्टी बनाया जाए क्योंकि हमारे व्यापारियों के हित से जुड़े हुए हैं। सरकार को भी हमने चिट्ठी लिख करके बता दिया कि जो भी वार्ता आप करें उस वार्ता पर हमको भी आपको आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि हम भी उसमें हम भी सिस्टम के अंदर में हैं। कर्पोर सरकार और किसान मिलजुल कर कुछ भी कर रहे हैं, किसानों की मांग के साथ हमारी सहानुभूति है, लेकिन हमारा ये भी मानना है कि बातचीत के दायरे से समस्या हल होती है। लेकिन इसी बीच में जो एक बहुत लगातार रोज चर्चा आ रही है कि बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, अगर ये बिचौलिए खत्म हो गए तो देश की सप्लाई चेन टूट जाएगी। क्या सरकार के पास में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर ये लोग हट गए तो फिर सरकार सप्लाई कर लेगी कंज्यूमर से? बिल्कुल भी नहीं। दूसरा कि अगर ये हट गए तो जो कृषि कानून के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर पर या अन्य लोगों को कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कह दिया तो उसके खर्चे नहीं जुड़ेंगे क्या? उसका मैनेजर है, उसका सेपरेटर है, उसका ग्रेडर है, उसकी लॉजिस्टिक है, उसके यहाँ मजदूर है, सामान उठाने वाला है, सामान गिराने वाला है, उसकी जो कॉस्ट लगेगी क्या वो फसल नहीं जुड़ेगी? क्या ये सब लोग चैरिटी करेंगे? तो आप एक बिचौलिया जो 70 साल से आज हमारे व्यापारी है, जब किसान को जरूरत पड़ती है तो व्यापारी उसकी मदद करता है, उसको बीज खरीदने के लिए एडवांस व्यापारी देता है, उसके घर में शादी होगी ब्याह होगी, कोई बैंक से किसान को पैसे नहीं देता। हमारा व्यापारी जो उसके साथ 20 साल का संबंध है उसको वो व्यापारी एडवांस में देता है। और आप कह रहे हो ये बिचौली है, कैसे बिचौली होंगे? हमारा कड़ा आपकी आपत्ति है, हमने आज ही पत्र भेजा है केंद्रीय वाणिज्य मंत्री को और उनको कहा है कि जो भी लोग ये कह रहे हैं बिचौलिया कह रहे हैं, ये आपत्तिजनक है और देश के व्यापारियों के लिए बेहद अपमानजनक है। भगवान के लिए इस व्यापारी को बिचौलिया कहना बंद कर दिया, नहीं तो ऐसा ना हो कि एक आंदोलन की जगह कोई दूसरा आंदोलन भी खड़ा हो सकता है। और केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए आप बाकी वर्ग को नाराज करेंगे तो देश के अंदर तरीके से नहीं चलेगा। मुझे बहुत संक्षिप्त के अंदर मैं मानता हूँ आप सबका टाइम बहुत कीमती है, मैंने अपनी बातें कही। अगर आप में किसी भी मित्र का कोई प्रश्न हो तो उस प्रश्न का स्वागत है, मैं अपनी क्षमता के अनुसार उसका जवाब देने का प्रयत्न करूँगा। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे अभी जो सही है किसान आंदोलन चल रहा है? देखिए सही या गलत का निर्णय तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, मामला सब जुडिशियल है। लेकिन किसान, मेरा ये मानना है कि किसान का जो आंदोलन था कहाँ से शुरू हुआ था और मीडिया ने हमको दिखाया, हम तो कभी नहीं गए, मीडिया ने हमको दिखाया कि वहां पर 5 स्टार की फैसिलिटी है। क्या देश का किसान जो रोजी रोटी के लिए तरसता है वो 1.5 महीने तक 2 महीने तक वहां पर आंदोलन करेगा और वो उसको कभी कपड़े कपड़े ड्राई क्लीन कराए? कभी नहीं कराए। कभी मशीन यूज करी पैर पैर दबाने की? किसान तो कभी नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसान नहीं है, निश्चित रूप से किसान होंगे, लेकिन इन चीजों को देखते हुए किसान आंदोलन की पवित्रता पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होगा। हमारा ये कहना है कि बात सही है कि देश को देश में किसान घाटे की खेती करता है, अगर बढ़ा 7% और 7 महीने में बढ़ गया वो 24%,
उसकी एक वजह तो लॉकडाउन था, दूसरी वजह यह है कि स्मार्टफोन जितने बिक रहे हैं, रोज स्मार्टफोन बिक रहे हैं, इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो गांव गांव जा रही है। अभी भारत सरकार 1500 पंचायतों को डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ रही है। हम डिजिटल टेक्नोलॉजी का समर्थन करते हैं, हम ये भी मानते हैं कि ई कॉमर्स भविष्य का बाजार है और हम ई कॉमर्स के विरोधी नहीं है, हम ई कॉमर्स सपोर्ट करते हैं। और उसकी सपोर्ट में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जनवरी के महीने में देश के व्यापारियों का अपना ई कॉमर्स पोर्टल भारत ई मार्केट लॉन्च कर रहा है, और जिसका स्लोगन हमने रखा है मेरे लिए मेरे देश के लिए। इस भारत ई मार्केट पर चीन का कोई सामान नहीं बिकेगा, इस भारत ई मार्केट पर बेचने वाला कौन है, खरीदने वाला कौन है, ये बिल्कुल स्पष्ट होगा। इस भारत ई मार्केट पर जितने व्यापारी आएंगे उनकी दुकान बनेगी, उनसे दुकान बनाने का एक रुपया भी हम चार्ज नहीं करेंगे। और इसके अलावा इस यह ऐसा अकेला पोर्टल होगा जिस पर दुकान पर जो भी कारोबार होगा, देश अपने व्यापारी को ई कॉमर्स के साथ जोड़ना है। हम कहते हैं कि आपकी दुकान सूरत के बाजार में पसंद नहीं करता, ये कंज्यूमर अब नेट पर जाना पसंद करता है और पेमेंट करता है वो कार्ड से। और हमारी व्यापारियों की जो तकलीफ ये है कि हम ना तो हम ई कॉमर्स के बाजार में हैं और ना हमने अभी तक डिजिटल पेमेंट को स्वीकार करना सीखा है। पिछले 7 सालों में कन्फेडरेशन ने मास्टर कार्ड के साथ मिलकर के पूरे देश में अभियान चलाया और अभी तक हम 7 सालों में 35% व्यापारियों को ही डिजिटल पेमेंट से जोड़ पाए। तो ऐसे हालात में हम जहां इन बड़ी कंपनियों का विरोध कर रहे हैं, वहां हम व्यापारियों को भी तैयार कर रहे हैं कि वो अपने पोर्टल पर आए और वो भी ई कॉमर्स पर अपना व्यापार करें, और उसमें सभी तरीके के लोग जुड़े होंगे। इस पोर्टल के अंदर सारी तमाम सुविधाएं होंगी, क्योंकि आज पोर्टल पर बात नहीं है, मैं फिर जब भी नेक्स्ट मुताबिक फिर विस्तार से आपके साथ बात करूंगा। और लगभग हमारा टेक्नोलॉजी हमारे तरह सब कुछ तैयार है। आने वाले 3-4 दिन के अंदर हम 2 मोबाइल ऐप के लिंक जारी करने वाले हैं। एक लिंक होगा जिस पर कंज्यूमर्स की ऑनबोर्डिंग होगी, एक लिंक होगा जिस पर व्यापारी की ऑनबोर्डिंग होगी, और व्यापारी की दुकान 10 मिनट के अंदर टेक्नोलॉजी से बन जाएगी 10 मिनट के अंदर। और इसमें एक जो हमारा यह है कि अगर इंट्रा सिटी ऑर्डर होगा, मान लीजिए सूरत की सूरत में यदि किसी ने माल खरीदा है तो 4 घंटे के अंदर अंदर उसके यहाँ डिलीवरी हो जाएगी, 4 घंटे के अंदर।